कोली 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 बरादरी से भाई का ताल्लुक है, तो हमारे हिंदू भाई हैं यहाँ पे। तो ये आपकी सारी फैमिली जितना भी है घर? अच्छा, तो कितना अर्सा हो गया आपको इधर? 5 साल हो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे वालदैन, मेरे अजीज़ो कारी, मेरे दोस्त अहबाब और जितने भी मुझे देखने वाले, मुझे चाहने वाले, आप सबकी दुआओं से जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मजीद मेरी आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक पहुंच सके। शुक्रिया। आज मैं आया हूं यहां पे भील बरादरी कोली बरादरी है, तो उनके पास उनका घर शहर किस तरह है और किस तरह वो लोग रहते हैं। तो हिंदू भाई हैं हमारे, तो यहाँ पे रहते हैं, उनकी विजिट करवाता हूँ, उनके घर से घर दिखाता हूँ, उनके रहन सहन दिखाता हूँ। तो चलें चलते हैं उनके घर से घर भी देखते हैं, उनका रहन सहन भी देखते हैं। तो ये देखें गाइस, मजे ठीक है। उर्दू आती है? उर्दू थोड़ी बहुत तो आती होगी? नहीं, उसको भाई को आती, आ जाओ इधर। तो गाइस ये देख सकते हैं, तो ये बच्चे हैं यहाँ पे, ये देखें। और ये गाइस इस तरह इनका ये घर बने हुए हैं। चलें पहले मैं आपको इनके घर का रिव्यू करवा देता हूँ, फिर बाद में इनसे। तो ये चारपाई पड़ी हुई है यहाँ पे एक, तो ये एक चौरा बना हुआ है इस तरह। तो अंदर चलते हैं, चौरे को देखते हैं। ये बहन है एक यहाँ पे, तो बहन सब्जी लेकर आई है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। और ये क्या बनाया हुआ है? चूल्हा है, ये चूल्हा बनाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे खाना वगैरह बनाते हैं ये लोग। तो ये घास रखने की इन्होंने जगह बनाई हुई, ये देखें गाइस। और किस तरह ये टूटे फूटे इनके घर हैं, आप लोग देख सकते हैं किस तरह ये रहते हैं। ये बाहर बैठने के लिए इन्होंने जगह बनाई हुई ऐसे। तो चलते हैं अंदर, ये इनका रूम है जो कमरा बना हुआ है। आए गाइस देखते हैं, ये देखें अंधेरा काफ़ी है, तो ये इस तरह इन्होंने काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे। तो ये बिस्तरे वगैरह इन्होंने रखे हुए अपने। तो चलते हैं बाहर, ये बहन ज़मीनों से काम करके आई है। तो ये बच्चे किसके हैं, आपके हैं? ये आपके बच्चे हैं अम्मा? ये तीन आपके हैं अम्मा, ये बहन कह रही है ये तीन मेरे हैं, ये वाले और ये छोटे। आप इसके हस्बैंड हैं? ये इनके शोहर हैं अम्मा के। तो इनको गाइस उर्दू नहीं आती, तो देख सकते हैं व्यूवर्स ये बच्चे इनके। तो चलते हैं आगे। चाचा क्या नाम है आपका? तारा। तारा ये बच्चे किसके हैं, कितने बच्चे हैं आपके? ये चार बच्चे हैं आपके? हाँ, आपके बच्चे शादीशुदा हैं सारे? जी अम्मा पोतरे हैं, अच्छा। ये थोड़ा की लगता? ये पोतरा। तो गाइस जिस तरह देख सकते हैं ये भी अम्मा का पोता है, तो ये अम्मा बैठी हुई है। अम्मा आपका नाम क्या है? कक्कू। ठीक ठीक ठीक। तो गाइस ये इन्होंने यहाँ पे ये देखें झोंपड़ी बनाई हुई है, चौरा बनाया हुआ, ये चूल्हा बनाया हुआ अंदर, ये जिस तरह इन्होंने रखा हुआ अपना सामान वगैरह, ये चारपाई। तो ये इन्होंने बर्तन यहाँ पे पानी भरने के लिए कैन वगैरह मटके रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं गाइस आप लोग। ये क्या, ये भी बर्तन रखने की जगह बनाई हुई है। तो एक चूल्हा यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखें किस तरह इन्होंने बेचारों ने घर बनाए हुए, काफी खस्ता हालत में ये इनके घर हैं। तो अम्मा ये देख सकते हैं ये एक कमरा है, ये बहनें खड़ी हुई इधर। अम्मा क्या नाम है आपका? जी अम्मा अतिया। और बहन आपका? कमली। ठीक। ये बच्चे आपके हैं? क्या नाम है इसका? जेती। और इस बच्चे, ये भी आपकी है? अमरती। और ये सावर। सावर ठीक ठीक। ये देखें गाइस ये कमरा ये है। तो इस तरह इन्होंने घर बनाया हुआ अपना मट्टी का,
ये देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इन्होंने अपने कपड़े वगैरह इस तरह रखे हुए हैं, तो घर का सामान होता है। यहाँ पे भी चूल्हा वगैरह है। चलते हैं आगे। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अदी आपका क्या नाम है? अमीरा, अमिया। आपके बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं आपके? तीन बच्चे हैं। अच्छे, कौन से? तो जिस तरह ये बहन के ये तीन बच्चे हैं आप लोग देख सकते हैं। दो बच्चे हैं ना, तीन एक और है। ठीक ठीक। तो गाइस ये आपका ये तंबू लगाया हुआ आपने, ये वाला भी आपका ही है। तो गाइस देख सकते हैं किस तरह इन्होंने ये ऊपर बर्तन भी रखे हुए हैं यहाँ पे। ये चार पहिया इनकी पड़ी हुई हैं। तो ये घर देखें गाइस, इन बेचारों के घर देखें आप लोग, किस तरह इन्होंने घर बनाए हुए अपने देख सकते हैं। भाई चेतन क्या करते हो? चेतन खेती बाड़ी करते हैं। कितना अर्थ हो गया खेती बाड़ी करते हुए? मना जब से जन्म हुआ आपका तब से ही आप लोग खेती बाड़ी कर रहे हो। ठीक ठीक। जैसे कि गाइस देखें वो कह रहे हैं कि जब से हम लोग पैदा हुए तब से हम लोग खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। सही सही। तो गाइस ये देख सकते हैं टूटे हुए घर। तो भाई आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे रहते हुए? हाँ 5 साल हो गए इसी जगह पे रहते हुए। तो गाइज यहाँ पे एक जिमीदार के पास इनको 5 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, देख सकते हैं आप लोग। तो काफी गरीब हैं बेचारे, तो घर टूटे हुए, इनकी हालत देखें। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये कोई बहन बीमार है। क्या हुआ बहन को? अच्छा बहन क्या हुआ आपको? बुखार है। तो डॉक्टर के पास नहीं गई आप? डॉक्टर को नहीं चेक कराया बहन? पैसा नहीं है। क्या कह रही है अम्मा? अम्मा कह रही है कि हमारे को पैसे नहीं मिलते, किधर जाऊं डॉक्टर पास? पैसे नहीं देते? नहीं, नहीं। अच्छा तो ये बच्चे भी बीमार? बच्चे ठीक हैं आपके? बच्चे भी ये बड़े, ये आपके बच्चे हैं? क्या नाम है आपका? मीरा। और इन बच्चों का नाम क्या है? हरेश। तो गाइस देख सकते हैं ये बहन कह रही मुझे बुखार चढ़ा हुआ है ज्यादा। ये भी अंदर काफी अंधेरा हो चुका है अभी। तो गाइस देख सकते हैं, तो जैसा कि गाइस ये चार पहिया भी इनकी टूटी हुई है देखें, तो आप लोग देख सकते हैं। ये इन्होंने जानवर जो आधे हिस्से पे चौथे हिस्से पे इन्होंने पाले हुए हैं, जो तीन हिस्से मालिक के होंगे एक हिस्सा इनका होगा। तो गाइस देख सकते हैं ये लोग इस तरह अपने घर में रहते हैं ये लोग। तो इस मैंने आज आप लोगों को भील बरादरी से आपकी मुलाकात करवाई, ये इनका रहन सहन दिखाया मैंने आपको। तो ये हमारे हिंदू भाई हैं, यहाँ पे रहते हैं, सिंध का एरिया है कुंडरी के पास ही। तो इनकी मैंने यहाँ पे घरों की विजिट की है, तो आप व्यूअर्स को दिखाना चाह रहा था, तो आप लोगों को दिखाया मैंने इन लोगों का किस तरह रहन सहन है। तो गाइस जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन को बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मज़ीद मेरी आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक पहुंच सके। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।